कल हमने कुछ एक्सरसाइजेस ट्रांसलेशन की थी, जो काम हो यस गया। पास्ट टेंस के सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों हम कल ने कल देखे थे। प्रेजेंट मैम, सिंपल मतलब हमारा रोज का रूटीन, हम जिसमें डिस्कस करते हैं ता है ती है। पास्ट सिंपल मतलब जो काम नियर पास्ट में बहुत ही जल्दी हम कर चुके हैं, हो गया। जैसे मैंने तुम्हें देखा, यस इस तरह के जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में होते हैं। जैसे कल हमने कहानी के थ्रू इसको पास्ट सिंपल की प्रैक्टिस की थी। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसे मैम, हाँ ठीक केवल कंटिन्यूअस के नाम से समझें है। यस कि जो काम अभी तक मैम, यस मैम, रनिंग में है। इसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये काम अभी तक निरंतर प्रोग्रेस में है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव का भी नाम दिया जाता है। अब इस प्रोग्रेसिव की ये विशेषता होती है कि इसकी बात हम प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें या फ्यूचर में करें, जहां पर भी रहा रही यस मैम, लग प्रेजेंट रहा है वहां पर वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी होता है, है। किसी भी टेंस में हो, यस पास्ट में मैम, हो या फ्यूचर में। क्योंकि अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो रहा था बोलेंगे, मैं जा रही थी, मैं पढ़ा यस रही। मैम, प्रेजेंट और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, है। बात मैं पढ़ा रही होंगी, मैं काम की, कर रही होंगी, तो यस रही मैम, वहां भी आ रहा है। तो जहां पर भी रहा रही ऐसे शब्द आ रहे हैं जो किसी भी काम के होने की निरंतरता बताते हैं, मतलब वो काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लगातार, वहां पर उस निरंतरता को दिखाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे गोइंग, टॉकिंग, रीडिंग स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट ये सब शब्द क्यों यूज किए जाते हैं, काम कंटिन्यूअस। का लगातार चलना दिखाने के लिए। तो जब हम प्रेजेंट में बात यस करते हैं, हमने कल भी देखा था कि जहां पर भी हूं या है का प्रयोग करना होता है हमें, वहां पर हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज यस भी एकवचन के लिए लगाया जाता है, एम जो केवल और केवल आय के लिए लगाया जाता है, आर जो प्लूरल यानी बहुवचन या यू के साथ लगाया जाता है। यू मतलब तुम, क्योंकि इंग्लिश में तुमको भी बहुवचन माना जाता है, इसलिए तुम के साथ भी आर लगाया जाता है। अब ये तो बड़ा सिंपल है, अगर मुझे कहना है मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रही हो, यू आर स्टडिंग, यस वो सुन रही है, शी इज लिसनिंग। अब ये हो गई हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। इसी को जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं तो वहां रहा रही के साथ आ जाता है था या थी। जैसे यहाँ पर है या हूं आ रहा मैम, था, वहां पास्ट में क्या आ जाता है, था या थी, मैं कर रही थी। बाकी हाँ, रहा रही तो वैसे ही रहेगा, था या थी आ जाएगा। यस जैसे दोपहर में मैं सो रही थी या सुबह में काम कर रही थी, तो वो चीज उस समय प्रोग्रेस में थी। मैम, अब इस था या थी के लिए हम जो शब्द लगाते हैं वो होते हैं वॉज या वर, WERE, वॉज या वर। अब मुझे अगर सेंटेंस बनाना हो तो मैं कैसे कर, बॉस हाँ, वॉज या वर, जहां पर किसी भी एक वचन के साथ, चाहे आए हो या कोई दूसरा एक वचन हो, किसी भी एक वचन के साथ वॉज लगाया जाता या है और किसी भी बहुवचन के साथ वर वॉस लगाया जाता है। मैम, अब यहाँ सेंटेंस जब बनेगा तो कैसे बनेगा, आई वॉज टीचिंग, मैं बाजार जा रही थी। आई हाँ, वॉज गोइंग टू मार्केट। वेरी गुड, बाजार जा रही थी। हाँ, वेरी गुड,
यू वर गोइंग टू मार्केट. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. हाँ, तुम कहो अपने बारे में कहोगी yes, तुम कहोगी आई वॉज, और मैं तुम्हारे बारे में कहूंगी तो मैं कहूंगी यू वर गोइंग टू मार्केट. यू वर गोइंग टू मार्केट एंड यू वर राइटिंग. मैं पढ़ा रही थी, तुम लिख रही थी, बाकी सब देख रहे थे. अदर्स वर लुकिंग और सीइंग. प्लूरल की बात आई तो वर लगा दिया, सिंगुलर की बात थी तो वॉज लगाया था. मैम आवाज नहीं आ रही. प्लूरल की बात थी तो हमने वर लगा दिया था, सिंगुलर की बात थी तो वॉज लगाया. वॉज लगा दिया. हाँ, तो अब ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस. अब इसके बाद जो yes, हम वो पढ़ते हैं परफेक्ट. परफेक्ट मतलब जब कोई भी काम पूरा हो चुका. अगर अभी पूरा हुआ है तो चुका है लगेगा, अगर पुरानी बात है तो चुका था या कर लिया था, जैसा हम नॉर्मली बातचीत में बोलते हैं कि कर लिया था, देख लिया था, सुन लिया था. जब ये शब्द yes, हम इस्तेमाल करते हैं चुका चुकी या कर लिया है लिया था, तो सबसे पहले हम फिर से प्रेजेंट की ही बात करेंगे. जब हम प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं कि इस बुक को तो मैं पढ़ चुका हूँ, इस किताब को मैं पढ़ चुका हूँ, तो अब इस चुका हूँ चुकी हूँ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं. यस मैम. जहां पर आए या कोई दूसरा बहुवचन है वहां पर हैव लग जाता है, बाकी सारे एक वचन yes, के साथ हैज लगता है. जैसे आई हैव टॉट यू योर सिलेबस, मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पढ़ा चुकी हूँ. तो आई के साथ क्या लगाया मैंने, yes, ma'am. दूसरी बात इसमें yeah. याद रखने योग्य ये है कि यहाँ पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. जैसे कल हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में पढ़ा कि हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसी तरह जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. yes, ma'am. तो अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो पढ़ा चुकी हूँ टीच और टॉट, TAUGHT थर्ड फॉर्म पढ़ाया. I have taught you complete syllabus. तुम assignment. मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है. बेटा तुम्हारा माइक बंद कर दो अभी थोड़ी देर के लिए. यस मैम. I have taught you complete syllabus. You have submitted your assignment. तुम अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुकी हो, कर दिए हैं तुमने. यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट्स. वो तुम्हें देख चुका है. ही हैज सीन यू. देखना सी, उसका थर्ड फॉर्म सीन. ही हैज सीन यू. मैं उससे मिल चुकी हूं. आई हैव मेट हिम. मैं उससे मिल चुकी हूं. आई हैव मेट हिम. जब हम ये चुका है चुकी है पे जाते हैं तो यहां हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं. हैज और हैव का यूज कैसे होता है,
हैज केवल और केवल सिंगुलर यानी एक वचन के साथ लगाया जाता है, जिसमें कौन कौन आ जाएंगे, ही शी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं उन सभी में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि मैंने कर लिया है। अब मुझे ये कहना है कि उसने मुझे कल देख लिया था, उसने मुझे कल बाजार में देख लिया था, देख लिया था। तो यहाँ पर इस था के लिए हम हैज हैव की जगह लगाएंगे हेड, एच ए डी। ही हैड सीन मी इन द मार्केट यस्टरडे, ही हैड सीन मी इन द मार्केट यस्टरडे। अब आवाज आ रही है बेटा बराबर? Yes, ma'am. He had seen me in the market yesterday. मैंने तुम्हें आवाज दी थी पर तुमने नहीं सुना। I had called you, but you did not listen. दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। एक में हम दिया था कह रहे हैं और दूसरे में नहीं सुना, है या था दोनों नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? पास्ट सिंपल की कैटेगरी में। मैंने तुम्हें आवाज दी थी पर तुमने नहीं सुना। I had called you, but you did not listen. उसने मुझे बुलाया था पर मेरे पास टाइम नहीं था। उसने मुझे बुलाया था पर मेरे पास टाइम नहीं था। He had invited me, but I had no time. He had invited me, but I had no time. अब इसी का जब हमें नकारात्मक सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इसी हैज हैव या हेड के साथ नॉट लगा दिया जाता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है, आई हैव कॉल्ड यू या इनवाइटेड यू। जब मुझे कहना है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, I haven't invited you या I have not invited you। और ऐसे ही मैं past tense की बात करूं तो क्या हो जाएगा? I had not invited you। I had not invited you। अब इन्हीं वाक्यों से जब हमें प्रश्न बनाने को आता है, हम पहले भी एक बार इस विषय पर बात कर चुके हैं कि जब इन्हीं वाक्यों से हम प्रश्न बनाते हैं तो हमें सीधे सीधे, यदि उस प्रश्न का जवाब केवल हाँ या ना में दिया जाना संभव है, तो हमें केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। क्या तुमने मुझे बुलाया था? क्या तुमने मुझे बुलाया था? अब इसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब यानी हेड को बाहर ले आएंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा, हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था, या क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, हैड ही नॉट कॉल्ड यू।
इसी तरह जब हम हैज हैव के सेंटेंस से प्रश्न बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा? क्या तुमने उसे बुलाया है? Had you called him? तुमने मेरी फ्रेंड को नहीं बुलाया है? Have you not invited my friend? क्या उसने तुम्हें पूछा है? Has he asked you? पूछने के लिए ask, ask. क्या उसने तुम्हें पूछा है? Has he asked you? तो इस तरह जब इन्हीं से हम प्रश्न बनाते हैं तो हमें helping verb को बाहर करना होता है. अब इसी तरह जब हम past perfect की बात करें और ऐसे प्रश्नों की बात करें जिनका जवाब हाँ या ना में देना संभव नहीं है. अभी मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था. जैसे क्या तुमने मुझे बुलाया था? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था तो इस क्यों के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? व्हाई. तो हमारा जो प्रश्न है वो तो वैसा ही रहेगा, Had you called me? लेकिन क्यों के लिए why जो है वो सबसे पहले आएगा. Why had you called me? तुमने मुझे क्यों बुलाया था? Why had you called me? कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था, इसे जब हम इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाएगा? I had told you. अब इसी का जब प्रश्न बनाए तो क्या होगा? क्या मैंने तुम्हें बताया था? Had I told you? और इसी प्रश्न को मैं विस्तृत बना रही हूं कि मैंने तुम्हें क्या बताया था? What had I told you? What had I told you? तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बनाए जाने वाले प्रश्न. अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ. अभी तक हम प्रेजेंट और पास्ट साथ में पढ़ रहे थे क्योंकि इनमें बहुत सी चीजें मिलती जुलती थी. अब हम आ रहे हैं फ्यूचर टेंस की तरफ जो पूरी तरह से अलग होता है. फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, जहां हम भविष्य की किसी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, अपनी कोई स्ट्रेटेजी बताते हैं, अपना फ्यूचर प्रोग्राम बताते हैं. ये सेंटेंस गा गी गे पर एंड होते हैं या खत्म होते हैं. फ्यूचर के सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? जहां भी हमारी क्रिया गा गी गे पर खत्म होगी. जैसे 3 मई के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी. अब ये जो गा गी गे है इसके लिए हम जिस शब्द का या जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो होती है विल, WILL, will. अब मुझे कहना है कि 3 मई के बाद मैं कॉलेज जाऊंगी. क्या हो जाएगा? I will go to college after 3rd May. मेरी सारी फ्रेंड्स भी कॉलेज आएंगी. My all friends will also come. क्या तुम कॉलेज जाओगी?
विल यू कम टू कॉलेज, तुम क्यों नहीं आओगी, व्हाई विल यू नॉट कम, अगर तुम कॉलेज नहीं आओगी तो क्या करोगी, इफ यू डोंट कम टू कॉलेज व्हाट विल यू डू, मैं तो छुट्टियों में अपने रिलेटिव के घर जाऊंगी, आई विल गो टू माई रिलेटिव्स हाउस इन वेकेशन। ये सब हम बात कर रहे थे फ्यूचर सिंपल की। फिर से हमें ये ध्यान रखना है कि सिंपल है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद विल लगाकर जो भी हमारी क्रिया है उसे वैसा का वैसा लिखना है, इसमें क्रिया के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। गो, कम, रन, ये सब जैसी हैं वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। अब ये तो थी फ्यूचर सिंपल की बात। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो हमने कंटिन्यूअस पढ़ते टाइम ये तय किया था कि जब भी कोई काम की निरंतरता बताई जाएगी तो वहां हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब वर्ब में यदि आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी लगाने का एक नियम है, आईएनजी हमेशा किसी न किसी बी के साथ आता है। बी मतलब बीई, जिसका अर्थ होता है होना, और इस बी के अलग अलग रूप होते हैं। इस बी के प्रेजेंट का रूप हमने पढ़ा था इज एम आर, इसका पास्ट टेंस हमने पढ़ा था वाज वर, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन, बी डबल ई एन। अब हमने यहाँ क्या कहा कि हमें जब भी रहा रही यूज करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा तभी हम उसमें आईएनजी का यूज कर सकते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाना, मैं तुम्हें देख रही होंगी या मैं टीवी देख रही होंगी, मैं टीवी देख रही होंगी, होगी यानी होना, होना मतलब बी का फॉर्म, रहा देख रही मतलब वॉचिंग। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, आई विल बी वॉचिंग टेलीविजन, आई विल बी वॉचिंग टेलीविजन। अब इसी का जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा फिर से क्या हो जाएगा, जो विल है वो बाहर आ जाएगा, विल आई बी वॉचिंग टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन देख रही होंगी। नॉर्मली हम इस तरह के सेंटेंस कैसे बोलते हैं, जब तुमने फोन किया था तब मैं सो रही होंगी, When you had called, I will be sleeping. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर हम सेंटेंस बोलते हैं, जहां भी रहा होगा रही होगी का उपयोग हमें करना है वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और उस आईएनजी को लगाने के लिए जरूरी है कि हम वर्ब का बी फॉर्म यूज करें, तो हेल्पिंग वर्ब का बी फॉर्म यूज करें, और उस बी फॉर्म को यूज करके उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। आपसे ये पूछा गया कि आपका भाई कहाँ है, आप जवाब देंगे वो तो क्रिकेट खेल रहा होगा। कैसे बनेगा सेंटेंस प्रतीक्षा, आप बताइए। प्रतीक्षा माइक ऑन करो,
कैसे बनेगा? वो क्रिकेट खेल रहा होगा। क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। मैम वो के लिए क्या लगेगा? ही लड़का है तो ही लगाएंगे। ही उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, क्या लगेगा? क्या मैम? ही लगेगा। हाँ लड़का है तो लड़के के लिए ही का यूज लगेगा। यस मैम। उसके बाद क्या जाएगा? ही विल। हाँ ही विल क्रिकेट। बी विल बी क्रिकेट प्लेइंग खेलने के लिए। बी क्रिकेट बेटा पहले वर्ब लगाएंगे। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यस मैम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब आती है तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। उसका फोन बिजी आ रहा है, वो किसी से बात कर रही होगी। रक्षा आप बताओ बेटा। रक्षा माइक और वीडियो ऑन करो। रक्षा हाँ बेटा बताओ इसको कैसे बोलोगे? उसका फोन बिजी आ रहा है, वो किसी से बात कर रही होगी। उसका फोन हर फोन ठीक है, उसका फोन के लिए हम बोलेंगे मतलब उसका का क्या हर। अगर आप लड़की की बात कर रहे हो तो हर, लड़के की बात कर रहे हो तो हिज। हर फोन बिजी इज बिजी। वो किसी से बात कर रही है कि विल बी टॉकिंग टू समवन। मैम आवाज नहीं आ रही है बराबर। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी कुछ? हाँ मैम नेटवर्क नहीं मिलता। हाँ तो उसके कारण परेशानी आ रही होगी। जो पढ़ाया वो क्लियर हुआ बेटा अभी तक जो पढ़ा वो? मैम मैं आज ही आया। हाँ मैम हुआ है। हाँ आज ही आए तो आज जो पढ़ाया वो तो हो गया ना क्लियर?